हाय फ्रेंड, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू ऐड फॉलो बटन ऑन योर फेसबुक अकाउंट, यानी कि आप अपने फेसबुक पर फॉलो का ऑप्शन कैसे लाएं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप किसी के प्रोफाइल पे जाते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए, तो उसके प्रोफाइल पे ऐड फ्रेंड की जगह पे जो है फॉलो का ऑप्शन होता है इस तरीके से। तो ऐसा फॉलो का बटन जो है आप अपने प्रोफाइल पे कैसे लगा सकते हैं, इस ट्रिक को जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो को देखते हैं एंड तक, और अगर अभी तक यार इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलो सीधा चलते हैं फेसबुक पे, और अभी मैं सबसे पहले आपको चेक करा देता हूँ कि मेरा प्रोफाइल जो है किसी भी व्यूअर को, पब्लिक को या फिर ऑडियंस को किस तरह तरीके से दिखेगा जब वो मेरे प्रोफाइल को विजिट करेंगे। ये हम चेक कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली से प्रोफाइल पे आ जाओ और ये जो थ्री डॉट है इस पे आ जाओ, एंड यहाँ पे सेकंड नंबर में एक ऑप्शन है व्यू एज का। जब आप इस पे टच करेंगे ना, तो आपको एक व्यूअर की तरह दिखने लगेगा कि एक ऑडियंस को आपका प्रोफाइल किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे दो और चीज़ दिख रहा है आपको, ऐड फ्रेंड और दूसरा जो है मैसेंजर का। ये जो ऐड फ्रेंड है ना, इसकी जगह पे अभी हम फॉलो का बटन लगाने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फेसबुक के होम पेज पे आ जाओ और यहाँ पे थ्री जो लाइन दिख रहा है सिंपली से यहाँ पे टच करो, एंड नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का। सिंपली से इसके अंदर में एक और ऑप्शन मिल रहा है सेटिंग्स का। सिंपली से जब आप इसके अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा नीचे करेंगे ना, तो एक ऑप्शन मिले सेक्शन मिलेगा आपको ऑडियंस एंड विजिबिलिटी का। इसके अंदर में काफ़ी सारा ऑप्शन है, तो जिसमें से आपको जाना है हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू। सिंपली से इस पर जब टच करोगे तो इसके अंदर भी काफ़ी सारा ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें से पहला वाला जो ऑप्शन है हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, यानी कि कौन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो इसके अंदर जब आओगे तो यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एवरीवन और दूसरा है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड। एवरीवन का मतलब है कि हर कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड का मतलब है आपके फ्रेंड या फिर आपके फ्रेंड के फ्रेंड। तो मैं फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड को ही सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त या फिर मेरे दोस्त के दोस्त ही मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, और अदर पीपल जो है वो मुझे फॉलो करे, फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजे। ठीक है, तो ये जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया है, डन। तो चलो मैं एक बार वापस से चेक करा देता हूँ कि मेरा प्रोफाइल जो है किसी भी पब्लिक को या फिर व्यूअर को कैसा दिखेगा। तो क्या करेंगे, सिंपली से हम बैक चलते हैं अपने प्रोफाइल पे, है ना। तो यहाँ पे प्रोफाइल पे हम आ चुके हैं, और वापस से ये थ्री डॉट पे टच करेंगे और उसी ऑप्शन पे जाएंगे व्यू एज के। तो देख सकते हो उस वक्त यहाँ पे जो है ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा था, और अब जो है यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आ रहा है। तो कितनी आसानी से जो है हमने ऐड फ्रेंड को बदल दिया है फॉलो के बटन में। तो देखा आपने कितना इजी और कितना सिंपल तरीके से हमने जो है अपने ऐड फ्रेंड बटन को जो है बदल दिया है फॉलो के बटन में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है, अगर क्वेरी है, तो भाई नीचे कमेंट कर दो। 100% मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की, हो सके तो मैं आपके ऊपर वीडियो भी लेकर आ जाऊँ। और अगर इस वीडियो को एंजॉय किया है तो अभी का अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको दो वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जो भी आपको जानना है उस वीडियो पे क्लिक करो एंड एंजॉय करो।